अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर और आज मैं आया हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले की कुछ वीडियोस मेरी थी ट्रैवलिंग जो मैं करता रहा हूँ और मुख्तलिफ जो जगह मैं आपको दिखाता रहा हूँ, लेकिन आज की ये वीडियो होगी एक गैजेट के बारे में जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ और आगे वाली वीडियोस में यूज़ भी करूँगा। और जो लोग मेरी तरह वीडियोस बनाना चाहते हैं और ट्रैवल के दौरान जो स्पेशली वीडियोस होती हैं ड्राइविंग के दौरान और चलते हुए जो कैप्चर करते हैं मोमेंट्स, अगर उनको अच्छे तरीके से कैप्चर करना चाहते हैं तो आप भी ये गैजेट ज़रूर लें। और आज की वीडियो है इसके बारे में। मोबाइल गिम्बल, आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इस बॉक्स के अंदर क्या है और ये मोजा मिनी एस किस मकसद के लिए यूज़ होता है और किस लिए हमारे काम आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं फिर इसकी अनबॉक्सिंग। डब्बा खोलना ज़रा मुश्किल काम लगता है, मुझे अपने पास अब एक पेपर कटर ब्लेड रखना पड़ेगा क्योंकि उसके बगैर ये काम ज़रा मुश्किल है। इसको बिन में फेंकेंगे पर बाद में। इसके ऊपर यहाँ पे टेप लगी हुई है, एक एडिशनल इन्होंने जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कुछ है। जी तो ये है इसका सेटअप करने का गाइड, हाउ टू गेट स्टार्टेड, ये वो है, ये ऐसे ही है। तो ये इसका यूज़र मैनुअल है, इसको भी हम देखेंगे पर बाद में। और ये वैसे जस्ट ब्रांडिंग के लिए इन्होंने स्टिकर्स दिए हुए हैं, असल चीज़ ये है। मैं बहुत एहतियात से निकाल रहा हूँ, डर लग रहा है, आराम आराम से निकाल रहा हूँ। और ये बेसिकली गिम्बल है मोबाइल के लिए जो यूज़ होगा। अभी बाकी चीज़ें भी इसकी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। अच्छा, ये इसका स्टैंड है, इसको अगर आपने किसी भी सरफेस पे खड़ा करना है इसको तो ये उसके लिए ये स्टैंड है। इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये क्या है जी, ये देखते हैं। बड़ा इसका अच्छा बॉक्स है, खूबसूरत बॉक्स बनाया हुआ है इन्होंने। अच्छा, ये इसका पाउच है, मोज़ा मिनी एस का पाउच, और इस पर ब्रांडिंग भी हुई है, मोज़ा लिखा हुआ है। ये क्या है, इसको देखना पड़ेगा। ये तो चार्जिंग केबल है और ये मेरे ख्याल में मोबाइल के साथ, हाँ मोबाइल के साथ अगर केबल के साथ अगर आपने इसको अटैच करना है तो ये वो है। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बल्कि इसको अनलॉक करते हैं। ये इसका अनलॉक का बटन है, इसको हम अनलॉक करेंगे। इसे ओपन कर लिया है और खोल छोड़ लिया है इसको, और अब ये रेडी है यूज़ के लिए। ये दूसरे गिम्बल से इस लिहाज से काफ़ी डिफरेंट है कि इसको सेटअप करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको सेटअप करना बिल्कुल इजी इस लिहाज से है कि इसमें आपको बस अपना फ़ोन इसमें लगाना है, इसके ये होल्डर में, और उसके बाद ये ख़ुद ब खुद उसको बैलेंस कर लेगा। जैसे कि ये अभी इसने अपने विदाउट फ़ोन इसको बैलेंस किया है, इस तरह से फ़ोन को भी बैलेंस कर लेगा। अब मैं अपना फ़ोन लगा के चेक करवाता हूँ कि फ़ोन को कैसे बैलेंस करता है।
आपने ट्राई करना है कि फ़ोन को आप इसके दरमियान में मिडल में करके लगाएं होल्डर के, ताकि ये सही तरह इसको बैलेंस कर सके। ये देखें, अब मैंने इसको फ़ोन को इसमें लगाया तो इसमें फ़ोन बैलेंस हो गया और इस तरह से ऑटोमेटिकली इसने इसको बैलेंस कर लिया। अच्छा, अब इस फ़ोन को यूज़ कर, अब इस गिम्बल को यूज़ करने के लिए आपको इसकी जो ऐप है मोज़ा की, मोज़ा जीनी, वो अपने फ़ोन में करनी पड़ेगी। उसको आप जब इंस्टॉल करेंगे तो इसकी ये जो कंट्रोल्स हैं ये एक तो इनेबल हो जाएंगे, और उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं जैसे कि फिल्टर्स और ट्रैकिंग और डिफरेंट पिक्चर मोड्स, टाइम लैप्स वगैरह, वो आप इस फ़ोन पे फिर अपने यूज़ कर सकेंगे इस कैमरे के साथ, इस गिम्बल के साथ। चलें इससे फिर एक क्लिप शूट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये काम कैसे करता है। गिम्बल होता क्या? गिम्बल ये होता है कि जब आप मोबाइल से या किसी भी कैमरा से वीडियो बनाते हैं और मूव कर रहे होते हैं, तो कैमरा में स्टेबलाइज़र होता है आजकल जो नए मोबाइल फ़ोन्स हैं, लेकिन स्टिल थोड़ी सी वीडियो शेक करती है, ब्लरी इफ़ेक्ट आता है। तो ये गिम्बल जो होता है उस शेकिंग को ख़त्म करता है और आपकी वीडियो को स्टेबलाइज़ करता है। अच्छा, अब मोज़ा मिनी ही क्यों? मोज़ा मिनी इस वजह से क्योंकि इसके साथ के जो कंपेटिटिव ब्रांड्स हैं जैसे कि DJI है या ज़ून है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। ये अभी आपको पाकिस्तानी मार्केट में 8 से 9 हज़ार रुपये की कीमत में मिल जाएगा। मैंने भी इतने का ही लिया है और आप भी इतने का ले सकते हैं। इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे। और मैंने ये कहाँ से लिए, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। सो देखते रहिए और फॉलो करते रहिए।